उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में हिंसा, आतंक, गुंडागर्दी, माफियागिरी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या, ऐसी घटनाओं की बाढ़ लगी हुई है। और हालत यह है कि बिकरू कांड कोई अभी भूला नहीं है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस वालों को घेर के 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया गया। पुलिस के 8 जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें एक सीओ रैंक के अधिकारी भी था, स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा जी। और अभी कल जो घटना कासगंज में हुई, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, गुंडे हैं, बीजेपी के नेता हैं, हत्या करने में आपको एक्सपर्टीज है, बलात्कार करने में आपको महारत हासिल है, तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आपको गुंडागर्दी और माफियागिरी करने की खुली छूट है। और इस प्रकार की छूट है कि आप पुलिस वालों की भी जान ले सकते हैं, पुलिस वालों की भी हत्या कर सकते हैं। जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं। कभी हाथरस में बलात्कार के बाद जिस बच्ची की हत्या कर दी गई उसको रात में 2 बजे जबरन जला दिया जाता है, कभी 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया जाता है, कभी लखीमपुर में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, कभी कानपुर देहात में 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका कलेजा निकाल लिया जाता है। यानी हैवानियत की, दरिंदगी की घटनाओं से अखबार और समाचार पत्र भरे पड़े हुए हैं। और ये कासगंज की घटना, शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जाती है, और शराब माफियाओं का मनोबल देखिए कितना चरम पर है, पीट पीट के पुलिस के जवान को मार देते हैं। दरोगा भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इंस्पेक्टर जिसको मारा है बुरी तरीके से। और मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अब आपसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं संभल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम कीजिए, और आपको अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आपसे कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभल रही है, और आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का हक नहीं, जो हालत आपने यूपी की कर दी। आए दिन की घटनाओं से लोग तंग आ चुके हैं। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा विषय है, कोरोना का घोटाला हो जाता है, शिक्षक भर्ती का घोटाला हो जाता है, पीपीई किट का घोटाला हो जाता है, वो घोटाले और भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दरोगा और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पिछले दिनों शामली से एक खबर आई कि एक महिला कांस्टेबल शिकायत कर रही है कि उसके साथ छेड़खानी होती है, उसको तंग किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो ये जो घटना शराब माफियाओं ने अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार को खुली चुनौती है कि तुम्हारी सरकार फेल है, अगर राज चलेगा तो शराब माफियाओं का राज चलेगा, तो हत्यारों का राज चलेगा, तो बलात्कारियों का राज चलेगा, तो गुंडे और माफियाओं का।